यहाँ पे मैं एज ए जनरल मैनेजर पोस्ट में आई थी 2 मंथ्स बैक. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं काम कर रही थी पंकज अग्रवाल के साथ, तो वहाँ मेरे को फर्स्ट में एक सिलाजीत बोल के एक दवा है, उसने मुझे धोखा से ये बोला कि वो एक आयुर्वेदिक दवा है, तुम ये पी लो. मुझे पता नहीं था, मेरे बगल में और 2 जन थे, पूजा और ममता बोल के, वो लोग को भी पूछ सकते हो. वो लोग के सामने मुझे ज़बरदस्ती बोला कि हाँ ये पियो, ये स्किन के लिए अच्छा है. मैंने पी लिया. फिर पूजा मेरे को बाहर जाके बोली कि ये सेक्स का एडिक्शन दवा है. फिर नेक्स्ट डे वो सेम चीज़ किया मेरे साथ, सेम चीज़ किया, वो बोला कि ये पियो. फिर मैंने उस दिन मना कर दिया. फिर बहुत दिन के बाद और फ्लड फ्लड तो करता रहता था, टच होने की कोशिश करता था. फिर मैं बोली कि मैं एक मैरिड लड़की हूँ, ऐसा ऐसा बोला. फिर कुछ दिन बाद और क्या हुआ, वो मुझे धोखा से दारू पिलाया. मैं आ गई. फिर नेक्स्ट डे और दारू पिला के मुझे ज़बरदस्ती करने की कोशिश किया. फिर मैं होश संभाली अपना. फिर मैं किसी को कुछ नहीं बोली, मैं अपना नौकरी छोड़ दी. यहाँ मैं रिसेप्शन में बैठी हुई थी, मॉर्निंग आई थी, फिर मैं इतना मेंटली टॉर्चर हो गई थी, मैं जॉब छोड़ दिया. कितना दिन से आप काम कर रहे हैं यहाँ? मैं ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो गया होगा. कितना जन है? हाँ, कितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ? कितना लोग काम कर रहे हैं आपके? मैं, मेरे साथ और पूजा नाम की एक लड़की है, मेरी ननद है, वो भी काम कर रही थी. फिर ये सब जब हुआ, मैंने चुपचाप किसी को कुछ नहीं बोला, मैं डर गई थी और मैं काम छोड़ दी. फिर क्योंकि पूजा भी काम कर रही थी. कुछ दिन बाद 15 दिन के बाद उसके पास भी सेम हुआ. उसको सबके सामने इंसल्ट किया और ज्यादा कुछ बोलने से कुछ ब्लैकमेल किया और फिर टचे होने की कोशिश की. क्या ब्लैकमेल किया? कि देखो तुम लोग को कैसे बर्बाद करते हैं, कितना पावर है हमारे पास, पैसा, पुलिस सब है हमारे पास, हमेशा उसका ये कॉमन डायलॉग. और मेरे को बोलता था मैं पुलिस लोग को कुत्ता के जैसा पाल रहा हूँ. आई हैव ऑल द सीक्रेट्स, आई नो ऑल द सीक्रेट्स, किस किस को क्या क्या खिलाते, मेरे को वो सब बोलना नहीं है कुछ. ये सब बात हुआ. फिर जब मैंने, जब पूजा के साथ भी हुआ, तब मैंने सोचा कि हम लोग अब बाहर आते हैं. बाहर जब आने के आए, तब उसके पापा अशोक अग्रवाल आके हम लोग को पूरा माफ़ी मांगने बोले कि ऐसा ऐसा नहीं होंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, आप प्लीज़ कंप्रोमाइज़ करो, पैसा के लिए कंप्रोमाइज़ करो. फिर भी हम लोग चुप बैठ गए. फिर वो 2 दिन में क्या किया, वो पुलिस, हम लोग ब्लैकमेल कर रहे. मेरे को नहीं चाहिए, फर्स्ट डे से मुझे पैसा नहीं चाहिए था. वो अशोक अग्रवाल, आई हैव द प्रूफ कि वो कंप्रोमाइज के लिए पहले बोला था. मेरे को कंप्रोमाइज करना नहीं है. मेरे को वो होटल भी नाम कर दे, फिर भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगी. मैं चाहती हूँ वो सलाखों के पीछे जाए. और एक लड़की को 2 साल से टॉर्चर कर रहा है. आई हैव अ रिकॉर्डिंग इन माय फोन एंड आई कैन लाइक मेक यू हियर दैट कितना उसको टॉर्चर करके बैठा है. उसके घर वाले डरते हैं, वो डरती है, लेकिन मैं नहीं डरती यार. कॉमन लोग डरते होंगे, मैं नहीं डरती हूँ, नहीं डरूंगी. मुझे कुछ खोने का डर नहीं है. मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे नहीं चाहिए पैसा. उसका बाप सा भी है, मेरा बाप चीफ इंजीनियर है, मेरा पापा नहीं. कुछ इससे डर नहीं है मुझे. मुझे नहीं चाहिए पैसा, मैं चाहती हूँ वो जेल जाए. और वो लड़की को ब्लैकमेल किया, न्यूड फोटो बनाऊंगा तुम्हारा. वो तो आईटी का है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो कुछ भी कर सकता है कोई भी लड़की लोग के साथ. इतने बड़े लोग हैं ना, वो लोग कुछ भी कर सकते. मुझे बोल रहा था वो कंप्रोमाइज करेगा, खुद बोल रहा था. फिर खुद जाके एफआईआर दिया, खुद जाके पुलिस के पास गया. उसको क्या लगता है हम लोग को पता नहीं चलेगा वो क्या क्या चीज करता है? हर एक, मैं अभी रिकॉर्डिंग भेजी हूँ न्यूज वाले लोगों को. वो लड़की कितना दुख से बोल रही थी, उसका लाइफ बर्बाद कर चुका है. रखेल बना के रखना चाहते हैं उसको. यहाँ जयपुर की लोकल है, उसका शादी तक नहीं होने दे रहा है, इतना मजबूर करके. मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि उसका लाइफ बर्बाद हो जाएगा. सारा रिकॉर्डिंग है मेरे पास.